हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल लास्ट क्लास में। आज के इस वीडियो में हिंदी के वर्णिका भाग दो के अंतिम पाठ धरती कब तक घूमेगी के सभी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको बताएंगे। तो एक भी प्रश्न आप लोग इसकी मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज़ आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा। और अभी तक आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है 87 89 30 73 04। इस पे आपको बोलना है कि सर हमें ग्रुप में जोड़ दीजिए, तो हम आपको ग्रुप में जोड़ देंगे। और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल आइकन आता है तो बेल आइकन को दबा के ऑल पे कर लीजिएगा, ताकि जब भी लाइव क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो आइए शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। तो पहला नंबर प्रश्न है कि धरती कब तक घूमेगी पाठ के लेखक कौन है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि धरती कब तक घूमेगी पाठ के लेखक कौन है। तो सावर दहिया है, इन्हें आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और सावर दहिया कहाँ के कहानी कारक हैं, तो ये राजस्थान के कहानी कारक हैं, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। दो नंबर प्रश्न है कि धरती कब तक घूमेगी कहाँ की कहानी है। ये भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि धरती कब तक घूमेगी कहाँ की कहानी है, तो ये राजस्थान की कहानी है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। तीन नंबर प्रश्न है कि धरती कब तक घूमेगी पाठ के मुख्य पात्र कौन है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि धरती कब तक घूमेगी पाठ के मुख्य पात्र कौन है, तो सीता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और ये भी प्रश्न बोर्ड परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। चार नंबर प्रश्न है कि तीन बेटों की माँ कौन थी। ये भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये भी प्रश्न बोर्ड परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है। यहाँ पे आपको बताना है कि तीन बेटों की माँ कौन थी, तो तीन बेटों की माँ सीता थी, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। पांच नंबर प्रश्न है कि सीता के बड़े लड़के का नाम क्या था। यहाँ पे आपको बताना है कि सीता के बड़े लड़के का नाम क्या था, तो सीता के बड़े लड़के का नाम कैलाश था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। इस पाठ के सभी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको बताएंगे, तो एक भी प्रश्न आप लोग स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज़ आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा। और वीडियो को अभी तक आप लाइक नहीं किए तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। छह नंबर प्रश्न है कि सवाल किस चीज का है। यहाँ पे आपको बताना है कि सवाल किस चीज का है, तो सवाल रोटी का है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। सात नंबर प्रश्न है कि सीता के प्रति उनकी बहुओं का व्यवहार कैसा था। यहाँ पे आपको बताना है कि सीता के प्रति उनकी बहुओं का व्यवहार कैसा था, तो कट्टू था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। बहुत ही गलत बर्ताव था, तो यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न। आठ नंबर प्रश्न है कि सीता रुवासी क्यों हो गई। यहाँ पे आपको बताना है कि सीता रुवासी क्यों हो गई, तो सीता अपना काला ओढ़ना देखकर रुवासी हो गई, तो यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और ये भी प्रश्न बोर्ड परीक्षा में बहुत बार पूछा जाता है, तो इसे आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। नौ नंबर प्रश्न है कि सीता के बेटों ने सीता को कितने रुपए माहवारी खर्च देने का निर्णय किया। ये भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि सीता के बेटों ने सीता को कितने रुपए माहवारी खर्च देने का निर्णय किए, तो 50 रुपया माहवारी खर्च देने का निर्णय किए, तो यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न।
10 नंबर प्रश्न है कि सीता घर छोड़कर क्यों चली गई। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, यहाँ पे आपको बताना है कि सीता घर छोड़कर क्यों चली गई। तो 50-50 रुपए देने की बात सुनकर सीता घर छोड़कर चली गई, यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है, 11 नंबर प्रश्न है कि धरती कब तक घूमेगी पाठ में किसकी प्रधानता दी गई है। यहाँ पे आपको बताना है कि धरती कब तक घूमेगी पाठ में किसकी प्रधानता दी गई है। तो नारी की प्रधानता दी गई है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 12 नंबर प्रश्न है कि धरती कब तक घूमेगी कैसी कहानी है। यहाँ पे आपको बताना है कि धरती कब तक घूमेगी कैसी कहानी है। तो ये सामाजिक कहानी है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 13 नंबर प्रश्न है कि सीता का कौन सा लड़का हमेशा चुप रहता था। यहाँ पे आपको बताना है कि सीता का कौन सा लड़का हमेशा चुप रहता था। तो बिज्जू हमेशा चुप रहता था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और सीता का बड़ा लड़का कौन था, तो कैलाश था, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 14 नंबर प्रश्न है कि सीता को किसने रसमलाई भेजी थी। यहाँ पे आपको बताना है कि सीता को किसने रसमलाई भेजी थी। तो नारायण की पत्नी ने सीता को रसमलाई भेजी थी, तो यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 15 नंबर प्रश्न है कि सीता के हाथ में अब क्या नहीं था। यहाँ पे आपको बताना है कि सीता के हाथ में अब क्या नहीं था। तो सीता के हाथ में अब मरना नहीं था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक भी प्रश्न आप लोग इसकी मत कीजिएगा, वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा, और वीडियो को अभी तक आप लाइक नहीं किए तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 16 नंबर प्रश्न है कि क्या सब कुछ बता देती है। यहाँ पे आपको बताना है कि क्या सब कुछ बता देती है। तो जो आंखें होती हैं ये सब कुछ बता देती हैं, तो यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 17 नंबर प्रश्न है कि सीता क्या खुरचने लगी। यहाँ पे आपको बताना है कि सीता क्या खुरचने लगी। तो सीता जमीन को खुरचने लगी, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 18 नंबर प्रश्न है कि सावरदहिया किस भाषा के कहानी कारक हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि सावरदहिया किस भाषा के कहानी कारक हैं। तो ये राजस्थानी भाषा के कहानी कारक हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 19 नंबर प्रश्न है कि सीता के कितने लड़के थे। यहाँ पे आपको बताना है कि सीता के कितने लड़के थे। तो सीता के 3 लड़के थे, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, 20 नंबर प्रश्न है कि किसे महसूस होने लगा कि आकाश अनंत है। यहाँ पे आपको बताना है कि किसे महसूस होने लगा कि आकाश अनंत है। तो सीता को महसूस होने लगा कि आकाश अनंत है, तो यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। इस पाठ के सभी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको बता चुके हैं, तो इसमें से जो भी प्रश्न आपको याद ना हो तो प्लीज आप लोग उसे नोटबुक पे लिख के जरूर याद कर लीजिएगा। और इस वीडियो को अभी तक आप लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिएगा, ताकि जब भी लाइव क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।